लालू यादव ने इस इनपुट पर काम करते हुए ये कह दिया कि इस बार जिन नहीं निकलना चाहिए जो बैलेट बॉक्स से सीधे तौर पर लोगों तक जो पहुंच आपकी होनी चाहिए, और इसको लेकर तारापुर में एक टीम जगदान सिंह की भेज दी गई कि अगर राजद मेहनत करेगी तो कम से कम कांग्रेस को बड़ा यहाँ हिस्सा लेने से रोक सकती है। मुझे तो ये भी लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर उलट फेर भी कर सकती है और तेजस्वी यादव काउंटिंग के अंतिम समय तक मौजूद रहेंगे कुशेश्वर स्थान में। चिराग पासवान यहाँ वोट काट सकते थे, चिराग पासवान या अंजू देवी जो उनके प्रत्याशी हैं वो वोट काट सकती थी, लेकिन चिराग पासवान और जो अमन हजारी हैं उनके बीच पारिवारिक रिश्ता भी है। राजद ने दो लोगों की टीम बनाई है, दो टीम बनाई है अलग अलग, एक तेजस्वी यादव की टीम है, दूसरा जगदानंद सिंह की टीम है। और बड़ी बात कहीं ना कहीं ये है कि इस सीट पर जदयू को जीत की 100% उम्मीद है। भाजपा ने अपने यहाँ पे एक दिग्गज नेता को सम्राट चौधरी को यहाँ मौका दिया था, लेकिन वो कुशवाहा समाज तक सीमित रह गए, और कुशवाहा समाज में भी सम्राट चौधरी कैसे हैं आप अच्छे जान सकते हैं। लालू यादव ने उनके लिए तो उस शब्द का प्रयोग किया था, मैं कर भी नहीं सकता हूँ। 40% के आसपास यहाँ से मुझे लगता है कि अब जब समीकरण बदले हैं जदयू आगे बढ़ चुकी है, 30% यहाँ से कांग्रेस है, और मैं 30% यहाँ से दे रहा हूँ फिलहाल तेजस्वी यादव को, और जो 5% है उसे आप फिर कांग्रेस की तरफ जोड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस यहाँ जबरदस्त मेहनत की है। यहाँ भी बड़ा गेम ये है कि संजय झा यहाँ मौजूद थे, कहीं ना कहीं जदयू की तरफ से वो मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन भाजपा के एक करीबी वहाँ के दिग्गज नेता ने, जो स्थानीय नेता वहाँ के हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि जदयू को वोट करने से अच्छा है कि आप यहाँ पर जदयू राजद को भी वोट करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे कांग्रेस को ही ला दीजिए।